थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइलस वाला इंडिया इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू शेयर न्यू स्पीकिंग क्यू कार्डज़ एंड प्लीज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते रहना क्यू कार्ड स्क्रीन शॉट आपको मिलेंगे स्टूडेंट के जिनको पूछे जा रहे हैं या इन द फ्यूचर पूछेंगे और ट्वेंटी फाइव मार्च को रीडिंग के टू पैसेज फ्रॉम आवर मटीरियल एटीन मार्च रीडिंग राइटिंग फ्रॉम आवर मटीरियल स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट है ऑल ओवर इंडिया चैलेंज है किसी भी पर्सन की वीडियो उठा कर देख सकते हो सेम यही पैसेज सेम यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एज वेल एज बहुत सारे टीचर से आप पूछ सकते हो कि जब भी क्यू कार्ड नए आते हैं तो उसका वर्जन है थोड़ा सा चेंज हो जाता है मीन्स कि कुछ टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और हंड्रेड परसेंट ये श्योर है कि कुछ टॉपिक हमेशा ही नए आते हैं आप किसी भी पर्सन से किसी भी टीचर से किसी भी यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर कर पूछ सकते हो बिकॉज मैं भगवान को मानता हूँ और हम हमेशा राइट गाइडनेंस राइट इन्फॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज आपके पास लेकर आते हैं बिकॉज ऑफ आपका टोटली जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड होता है आई ई एल टी एस एग्ज़ाम के ऊपर अगर आपके पास एक क्लिक कर कर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जहाँ एक नए क्यू कार्ड्स मिल जाते हैं रीडिंग, है, रीडिंग मिल जाती है राइटिंग मिल जाती है एज़ वेल एज लिसनिंग को अंडरस्टैंड करने की स्किल मिल जाती है तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो रिज़ल्ट सो so मैं आपको यही कहूँगा कि अपने आप की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करो स्पीकिंग की राइटिंग की रीडिंग की कि आपको सेकेंड टाइम थर्ड टाइम एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना हो अगर मुझे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फर्स्ट टाइम क्रैक करने का सिर्फ़ एक ही फंडा है फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवर्क सेकेंड इज़ ट्रस्ट थर्ड इज़ रिस्क एंड फोर्थ इज़ हद से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ चीज़ों को देखता हूँ एनालाइज़ करता हूँ एंड अंडरस्टैंड करता हूँ तो हंड्रेड परसेंट आई कैन क्रैक माई आई एग्ज़ाम अगर किसी को मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिलेंगी हमारे कमेंट सेक्शन में